ईट एंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया जो खाए जाते हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में एंड मार्ग दीज ऑन इट्स मैप और उनको मार्क कर दिया था उनके मैप पर कि मतलब वो कहाँ कहाँ खाए जाते हैं हम मील कोड कंसिस्ट ऑफ चपाती दाल ब्रिंजल करी अनदर में बी राइस एक खाने में हो सकते हैं चपाती दाल और बैंगन इसके अलावा अनदर में बी राइस हो सकता है सांबर हो सकता है एक वेजिटेबल हो सकती है प्रिप्रेशन ऑफ लेडी फिंगर यानी कि भिंडी की सब्जी भी हो सकती है यट अन अदर मील कोड भी अपम हो सकता है फिश करी हो सकता है और वेजिटेबल्स हो सकती हैं एक्टिविटी वन में हम पढ़ेंगे अवर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम हमारे खाने में कम से कम एटलीस्ट वन आइटम होता है जो मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन होना चाहिए एक्चुअली अदर आइटम्स कुड भी और दाल अदर आइटम्स में कोई भी और दाल हो सकती है एग डिश हो सकती है मीट की एंड वेजिटेबल्स की इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक उसमें और भी आइटम्स हो सकते हैं जैसे दही हो सकता है कर्ड यानी कि दही बटर यानी कि मक्खन हो सकता है आ, मिल्क हो सकता है दूध हो सकता है यानी कि पिकल्स यानी कि अचार हो सकता है सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर केवन इन टेबल टू पॉइंट वन और टेबल टू पॉइंट वन वो कह रहे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए, तो गए हैं जो डिफरेंट रीजन्स के लोग खाते हैं सेलेक्टेड फूड आइटम्स आर डिपेक्टेड ऑन मैप इन चैप्टर वन सेलेक्टेड फूड आइटम्स जो हैं वो मैप वन में आपको दिखाए गए हैं दर्शाए गए एक तरीके से एड सम मोर मील्स टू दिस इसमें आप कुछ और मील्स भी एड कर सकते हैं एंटर दीज इन टेबल टू पॉइंट वन और उनको एंटर कर दीजिए टेबल टू पॉइंट वन में समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वैराटीज़ इन अवर मील अब कहीं पर क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा वैराटी नहीं होती है मील में यानी कि हम एक दो तो चीज़ें उसे ही खाना खा लेते हैं इफ़ वी आर यू नो ट्रैवलिंग अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं वी मे ई टू वैदर इज़ अवेलेबल वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे अब जब हम यात्रा करते हैं तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं जो भी रास्ते में मिलता है इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ फस्ट वीड्स सच अ वेरायटी ऑफ आइटम्स ये पॉसिबल नहीं होता ठीक है किसी के लिए कि बहुत ज़्यादा वेरायटी वो लेकर ट्रैवल करे या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करे तो बहुत ज़्यादा वेरायटी ऑफ़ फूड वो, वो खाएँ ठीक so, है सो देयर मस्ट बी सम रीजनस इसके पीछे कुछ रीजन्स हो सकते हैं सम रीजन्स थ्रू वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन तो क्यों इस तरह से मील्स का इतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आई इसके रीजन हो सकते हैं डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट तो आपको लगता है कि हमारी बॉडी जो है उसे फूड चाहिए होता है कुछ स्पेशल पर्पज से वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम्स contain? तो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या होता है वी नो हम जानते हैं दैट ईच dish इज usually मेड अप ऑफ वन और टू वन और मोर इन्ग्रीडियंट्स हम जानते हैं कि हर डिश बनी हुई होती है एक एक से ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स से विच वी गेट from प्लांट्स और एनिमल्स जो हमें मिलते हैं प्लांट्स से एनिमल्स से दीज इन्ग्रीडियंट्स कंटेन सम कॉम्पोनेट्स इन इग्रीडियंट्स में होते हैं कुछ कॉम्पोनेंट दट आर नीडेड बाई आर बॉडी जिनकी जरूरत होती है हमारी बॉडी हो दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिय और यही जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं ये कॉम्पोनेंट न्यूट दिस कॉम्पोनेट्स आर कॉल्ड न्यूट्रेंट्स इन कॉम्पोनेट्स को हम न्यूट्रिय कहते हैं द मेजर न्यूट्रिय इन अवर फूड आर नेम्ड कारबोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना हमारे खाने में वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट ये देखो इसको मार कर लो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स इन एडिशन फूड कंटेंस डाइट्री फाइबर्स तो देखो मेजर तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स लेकिन इनके अलावा डायट्री फाइबर्स भी होते हैं हाँ वाटर भी होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी उनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को ठीक है डू ऑल फूड कंटेंट्स ऑल दीज न्यूट्रीनस के सारे ही खाने में ही सारे न्यूट्रिय मिलते हैं विथ सम सिंपल मैथड्स कुछ सिंपल मैथड्स के द्वारा वी केन टेस्ट हम टेस्ट कर सकते हैं वेदर कुकड फूड और आर रॉय इन्ग्रीडियंट कंटेंट्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रीन्ट्स कि भाई बिना पके खाने में कोई न्यूट्रंट है या यू नो कुक करने के बाद उसके अंदर एक ही एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है तो वो हम टेस्ट कर सकते हैं द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि भाई किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए या प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए फैट्स को टेस्ट करने के लिए आर सिम्पलर टू डू एज़ कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ़ द न्यूट्रियस अब लेटेस्ट टू दिस टेस्ट अब चलो ये टेस्ट करेंगे रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन फॉर टेबल टू पॉइंट टू 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 के लिए हमें क्या करना है हमें अपनी ऑब्जर्वेशन कहीं लिखनी है फॉर कैरियंग आउट दिस टेस्ट इस तरह के टेस्ट करने के लिए यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा तो आपको क्या चाहिए आपको चाहिए आयोडीन आपको चाहिए कापर सल्फेट आपको चाहिए कास्टिक सोडा यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर और आपको चाहिए कुछ टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम्स एज वेल अब आपको ये टेस्ट करने फूड आइटम्स पर भी और रॉ मटेरियल्स पर भी टेबल टू पॉइंट टू शो करती है यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन कि भाई किस तरीके से आपको अपनी ऑब्जर्वेश्स करनी है फॉर दिस टेस्ट सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल इन टेबल आपको कुछ फूड आइटम्स दिए इस टेबल में यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम देखो या तो आप जो इन्होंने दे रखे हैं आप उन वाले फूड आइटम से टेस्ट कर लेना और नहीं तो कह रहे हैं कि आप जो हैं वो दूसरे फूड आइटम्स भी ले सकते हैं उन पर भी टेस्ट कर सकते हैं डू दीज टेस्ट केयरफुली Uh, जितने भी टेस्ट हैं आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं बहुत केयरफुली करने हैं डू डिस टेस्ट वेरी केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल आपको कोई भी केमिकल जो है वो टेस्ट करके नहीं देखना है ठीक है If the required solution are not available in ready-made form, अगर आपको जो solution चाहिए वो ready-made form में नहीं, नहीं, नहीं मिल रहा है your teacher can prepare them as follows. तो so, उनकी teacher जो है मतलब आपकी जो teachers हैं वो आपके लिए उसको prepare कर सकती हैं किस तरह से Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. अब वो कह रहे हैं कि चलो शुरू करते हैं test different items का ठीक है और जो हमें चेक करना है कि भाई इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है क्या नहीं है देर आर मेनली मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो काफी सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं द मेन कार्बोहाइड्रेट्स इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर तो जो मेन होता है ना हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्टार्च एंड शुगर्स ठीक है वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ फूड आइटम कंटेन स्टार्च हम बहुत आराम से टेस्ट कर सकते हैं कि एक फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है एक्टिविटी टू में हमें बताया गया है टेस्ट फॉर स्टार्च टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम आपको थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है फूड आइटम का और रॉ इंग्रेडिएंट, का इंग्रेडिएंट लेना है पुट टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन उसके अंदर आपको थोड़ा सा डायलूट आयोडीन सोल्यूशन डाल देना है ऑब्जर्व करना है इफ देयर इज एनी चेंज कि भाई अब देखना है आपको कि कोई चेंज होता है या नहीं होता उसके कलर में फूड आइटम के डिटे टर्न ब्लू ब्लैक के टर्न हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर के अंदर अब ब्लू ब्लैक कलर अगर वो टर्न हो जाता है तो इंडिकेट करता है दैट इट स्टार्च कि इसके अंदर स्टार्ट है स्टार्च है रिपीट दिस टेस्ट ये टेस्ट को रिपीट कीजिए विद अदर फूड आइटम्स दूसरे फूड आइटम्स के साथ भी टू फाइंड आउट विच ऑफ़ दिस कंटेन स्टार्च कि भाई कौन कौन से फूड आइटम में स्टार्च है तो आपको ये एक्टिविटी कर करके देखनी है एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन और जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसको एंटर कर दीजिए टेस्ट फॉर प्रोटीन अब आप प्रोटीन के लिए टेस्ट करेंगे ठीक है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम आपको थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है फूड आइटम का फॉर टेस्टिंग टेस्ट करने के लिए इफ़ द फूड यू वॉन्ट टू टेस्ट इज अ सॉलिड अगर आपने जो फूड लिया है और वो एक सॉलिड है यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट आपको सबसे पहले उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा और पाउडर इट उसको पाउडर बनाना पड़ेगा ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड आइटम आपको ग्राइंड करना है बिल्कुल या फिर मैश एकदम बिल्कुल पीस देना है थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम के पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब और थोड़ा सा आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है ऐड करना है टेन ड्रॉप्स ऑफ वाटर को टू इट एंड देन शेक कर देना है टेस्ट ट्यूब को नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ड्रॉपर को आपको यूज करना है एड करना है टू ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर की कॉपर सल्फेट की एंड टेन ड्रॉप्स आपको लेनी है सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा की टू दी टेस्ट ट्यूब शेक करना है अच्छे से एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट अब आपको थोड़ा कुछ मिनटों के लिए जो है टेस्ट ट्यूब वो है थोड़ा छोड़ देनी है वॉट डू यू सी आप क्या देखते हो द कंटेंट्स जो भी आपने इसके अंदर डाला था ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न ब्लू वॉयलेट क्या वो इस तरह के जो हैं वो टर्न हो जाते हैं वॉयलेट कलर के हैं ठीक है अब कलर अगर टर्न हो जाते, वो हो जाते, है, है? है। वो हो जाते तो वो इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस किस चीज़ की है यहाँ से देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वॉयलेट कलर के वो हो जाते हैं तो वो क्या है उसके अंदर है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन यहाँ से ही कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन दी अदर फूड आइटम्स अब आप दूसरे फूड आइटम्स पर भी ये जो है वो टेस्ट कर सकते हो न्यूट्रिशन जो प्रेजेंट है अब आप कोई फूड आइटम दिए आप आपको देख रहे हैं स्टार्च है नहीं है प्रोटीन है नहीं है फैट है है नहीं और किस तरह से टेस्ट कर रहे वो आपको समझा ही रहे हैं ठीक है अब आ जाओ टेस्ट ऑफ़ टेस्ट फॉर फैट्स कैसे करते हैं ठीक है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम आपको थोड़ा फूड आइटम का थोड़ा क्वालिटी मतलब क्वान्टिटी में लेना है रैप करना है इसे पीस ऑफ पेपर में क्रश कर देना है एकदम अच्छे से ना है ना मरोड़ देना एक तरीके से उसके अंदर कागज़ के अंदर रख के उसको हल्का सा मोड़ देना है दबा देना है एकदम अब टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट क्यर लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप ये एक्टिविटी करें और पेपर ही फाड़ लें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ठीक है ना होटेटिंग द पेपर अब आपको पेपर को सीधा करना है ऑब्जर्व करना है इसे बहुत केयरफुली डज इट हैव एनी ऑयली पैच क्या इसके अंदर कोई ऑयली पैच आते हैं होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट अब लाइट के सामने पेपर को लेकर जाओ आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली क्या आपको थोड़ा सा मतलब धुंधला सा दिखाई दे रहा है थ्रू दी पैच थ्रू दिस पैच एंड ऑयली पैच ऑन द पेपर शो करता है दैट द फूड आइटम कंटेन फैट अगर उस पर ऑयली पैच आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि भाई इस पर ऑयल आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है फैट है द फूड आइटम्स मी समाइम्स कंटेनर लिटिल वाटर फूड आइटम्स में कई बार क्या होता है थोड़ा पानी भी होता है देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर जब आप रब कर लेते हैं पेपर पर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ अल थोड़ी देर के लिए पेपर को ड्राई होने दीजिए दीजिए इफ़ देयर वर एनी वाटर अगर थोड़ा पानी होता है दैट मे हैव कम फ्रॉम द फूड तो वो वहाँ से फूड में से आ जाएगा इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर में वो ड्राई भी हो जाएगा सूख जाएगा इफ़ नो no, ऑयली पैच अगर कोई ऑयली पैच नहीं है तो नहीं शो होता है ठीक है आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट तो मान लीजिए कि फूड आइटम में कोई भी फैट uh, नहीं, नहीं है ऑयली पैच ही नहीं आया तो मतलब उसके अंदर कोई फैट नहीं है वॉट डू दिस टेस्ट शो तो इस तरीके के टेस्ट क्या शो करते हैं आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड तो क्या आपने जितने भी फूड आइटम्स uh, जो हैं वो टेस्ट किए थे उनके सभी के अंदर फैट्स स्टार्च वगैरह मिला आपको ठीक है डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रेशन क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट क्या आपको ऐसा कोई फूड आइटम मिला जिसमें इनमें से एक भी जो है वो न्यूट्रिएंट ना हो आप देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं इसका ना चलो ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद ये वीडियो हम करेंगे स्टॉप वी टेस्टेड फूड आइटम्स हमने फूड आइटम को टेस्ट किया फॉर थ्री न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स देर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स जो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स में वाई डू वी नीड ऑल द न्यूट्रेंस हमें जरूरत क्या है इन न्यूट्रियस की तो वो पता करेंगे हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो तब तक आप छोटा सा मेरा वेवर कीजिएगा चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एक दे दीजिए लाइक और कर दीजिए इसे शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है फिर मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन बाय